नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। आप सब ने डिमांड किया था कि मैं ट्राइबर का कस्टमर रिव्यू लेके आऊं, और आपको बताता चलूं ये ट्राइबर 7 सीटर के साथ भारतीय बाजार में अवेलेबल है। और 1 लीटर का जो पेट्रोल इंजन लगा हुआ है बहुत ही धमाकेदार है, क्योंकि ये 71 BHP की शक्ति देता है, 197 NM का टॉर्क देता है। और मेरे साथ एक ऐसे ग्राहक हैं जिन्होंने इसे 10,000 किलोमीटर चला लिया, उनका नाम है विनोद जी। विनोद जी, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद इस गाड़ी को लेने के लिए बेहतर है, जिस टाइम मैं लेने गया था लास्ट, मुझे कंप्लीट 1 ईयर हो चुका है। तो अभी मैं सवाल करूंगा, अभी क्योंकि शुरुआत हुई है। सर, कब ख़रीदा था ये बताइए सबसे पहले। मैंने ख़रीदा था ये लास्ट September 9 को, और उस दिन मेरी वाइफ का बर्थडे था। वरुण त्यागी जी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आई रिक्वायर्ड दैट। बहुत हैवी बुकिंग था उस टाइम पे, और लेकिन वरुण त्यागी जी मेरे को कमिट किया। चलिए, आपने वरुण त्यागी जी का नाम लिया तो बता दीजिए वो कहाँ से हैं, क्या हैं, क्योंकि ये पूरी जनता उनको नहीं जानती है। अच्छा, वरुण त्यागी जी आपके गाज़ियाबाद रेनो में GM हैं, और वहीं पर उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और वहीं से मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया। तो विनोद सर, जैसा कि बता रहे हैं, तो जो रेनो क्रिस्टल रेनो है गाज़ियाबाद NH 58 पर आपको मिलेगा, तो वहां से इन्होंने गाड़ी खरीदी है। बहुत हैप्पी कस्टमर है ऐसा लग रहा है, लेकिन बताएंगे और कुछ जानेंगे जब इनके साथ गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनके साथ ड्राइव, और बहुत सारे सवाल मैं इनसे करने वाला हूं जो आपने मुझसे किया था मेरे यहाँ के यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर। मेरे साथ विनोद जी हैं और अपनी ट्राइबर में मुझे लेके जा रहे हैं घुमाने। तो कहाँ घुमाने जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन विनोद जी अपनी इस गाड़ी से खुश क्यों हैं, इसे शुरू करने से पहले, इसके बारे में सवाल करने से पहले, मैं विनोद जी से जानना चाहता हूँ कि विनोद जी इसके पहले क्या चलाते थे। मेरे पास इससे पहले गाड़ी हुआ करती थी सेंट्रो जिंग, तो छोटा गाड़ी था, तो मेरे को एक फैमिली गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी, एटलीस्ट 3 रोज। अच्छा, और 3 रोज में मैंने पहले ट्राई किया था XUV500 के लिए, तो XUV500 मेरे बजट को ओवर क्रॉस कर रही थी। देन आई ट्राइड वेन्यू, अमेज एंड ऑल, मैंने सभी कुछ, सभी का प्राइसिंग वगैरह वो सब कुछ ट्राई किया। देन आई सॉ अ एड इन न्यूज़पेपर ट्राइबर। अच्छा, मैंने कहा चलो, मैं वाइफ फ्रेंड्स सब 2-3 फ्रेंड्स थे, हम सारे गए जाके वहाँ पे देखा, और देखने के बाद ऑसम लुक, ऐसी लुक गाड़ी की अभी तक इस सेगमेंट में नहीं है। आपका लुक, हाइट, ओके, वेरी गुड। मैंने नेक्सॉन भी ट्राई किया, नेक्सॉन का एक इशू मेरे को आज भी लगता है, अगर मैं बैठता हूँ गाड़ी में तो उसकी जो अगर आप उसे देखें बैठने में, थोड़ा ईजीनेस फील नहीं होती है। अच्छा, इस गाड़ी में मुझे वो भी नहीं लगा है। देन एंड देयर देन आई डिसाइड कि मैं इसको बुक करता हूँ। तो सभी का विनोद सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कितने में पड़ी एग्जैक्टली? और रियली इसकी उस टाइम पे जो कॉस्ट हुआ करती थी 7.53 अराउंड था, और विद एक्सेसरीज इंक्लूडिंग अलॉय व्हील्स एंड ऑल, ये सब कुछ अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे को 810 इंक्लूडिंग 5 ईयर्स वारंटी और सब कुछ मेरे को। तो एक्सेसरीज पे कितना खर्चा किया आपने, क्या क्या चीज़ें? अराउंड 50,000। तो उस पर क्या क्या मिला था आपको इसमें? इसमें मेरे को जितने भी आपके अलॉय व्हील्स है, कैरियर है, प्लस अदर डीरेल्स हैं, डीरेल्स आपके, प्लस आपका ये मिरर, मिरर साइड में मिरर के लिए वो है कि ताकि किसी को दिखाई दे आप चला रहे हैं, बैक कर रहे हैं मोड़ने के लिए, ये सारी चीज़ें मेरे को कंप्लीट मिली थी। तो अभी तक आपने इसे कितने किलोमीटर चलाया है एग्जैक्टली? इस टाइम मैं अभी इसको 11,949 किलोमीटर चला चुका हूँ। अच्छा, 11,949 किलोमीटर आपका कंप्लीट हो? मैं कंप्लीट, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, काउंट ऑन, इसमें किलोमीटर बढ़ा रहे हैं सर अभी, 100% बढ़ेंगे गाड़ी। तो गाड़ी में इस 11,000 किलोमीटर की जर्नी में सबसे लंबी यात्रा आपकी कहाँ की रही? मेरी अभी लास्ट वीक मैंने किया है सबसे लंबा जलंधर का, इट वाज अराउंड पठानकोट, इट वाज अराउंड 550 किलोमीटर सिंगल साइड। तो हाईवे पे परफॉर्मेंस कैसा रहा इसका? हाईवे पे परफॉर्मेंस मेरे को 18 प्लस का ऑन एसी,
18 प्लस का मेरे को एवरेज मिला है और अराउंड 120 130 तक मैंने इसको चलाया है, मैंने काउंट किया है, तो मेरे को कोई इशू नहीं लगा गाड़ी। तो मुझे और पूछना था आपसे, जैसे मेरे बहुत सारे दर्शकों ने मुझसे सवाल किया था कि रिलायबिलिटी से आप इसके खुश हैं, जो इसका बिल्ड क्वालिटी है और जो चीज़ें हैं, क्योंकि उनको लगता है कुछ वाइब्रेशंस मिलती हैं, कुछ कभी ऐसा कुछ फेस किया जो आपको अच्छा ना लगा हो इस गाड़ी में? इसमें सिर्फ अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, अगर गाड़ी स्टार्ट होती है तब उसमें एक बार वाइब्रेशन होता है, अदरवाइज मेरे को वाइब्रेशन भी महसूस नहीं हुआ। जब आप ओवरटेक, जब आप, क्योंकि आप बोल रहे हो हाईवे पर काफ़ी चलाया है, तो जब आप ओवरटेक कर रहे थे तो कभी दिक्कत हुई कुछ? एक बारी, एक दो बार मेरे को रात, चूँकि नाइट था तो नाइट में मेरे को थोड़ा सा महसूस हुआ था। अभी लास्ट, चूँकि मैं इतना लंबा जर्नी इससे पहले नहीं कर पाया था, कोविड की वजह से भी वो सारा बंद रहा है, तो मेरा प्लान था कि मैं हरिद्वार वगैरह जाने की कोशिश करूँ। तो क्या महसूस क्या किया उस समय आपने? उस टाइम पर ये होता है कि मेरे को ये लगा कि जैसे कि जब आप गाड़ी चलाते हैं और ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पर आपको उतना पिकअप नहीं मिल पाता। अच्छा, तो लगता है कि दैट इज़ एक लीटर वाला वहाँ पर कमी, थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा और ज़्यादा होता है, थोड़ा सा लगता है कि आप वन टाइम मे बी, इट मे बी पॉसिबल कि ये एसी की वजह से हो, आप एसी पे ना उठा पा रहे हो गाड़ी। तो अपने दिल को कैसे समझाते हैं जब एक ऐसी गाड़ी जो आपको पसंद है? नहीं, इसका ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसा नहीं है, दैट कैन बी सॉल्व। ये बात करने का वो है, अभी मेरे को मैकेनिक से बात करना है, देन आई विल ट्राई कि क्या। अच्छा, आपको लगता है कि यूनिट में कुछ प्रॉब्लम होगा, गाड़ी में नहीं होगा? गाड़ी में नहीं है। जब सर, इतनी गाड़ी में नहीं है, सर गजब की मोहब्बत है आपकी। मतलब कंप्लेन किया भी और उसे जो है एकदम साफ भी कर दिया। मैं 100% श्योर हूँ गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, देर में भी सम अदर इशू। सर, 7 लोगों को बिठाया आपने? 100% क्या क्या किया, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे सामान लादने की बात कर रहे थे। मैं कितने लोगों को बिठाया, पूरी जर्नी बताइए थोड़ा। मैं बताता हूँ आपको, मेरे एक फ्रेंड है, वो रोहिणी में रहते हैं, तो फ्रेंड के यहाँ एक फंक्शन था और हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे सभी ने बोला यार तुम्हारी गाड़ी में चलेंगे। मैंने कहा वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी फ्रेंड्स थे, मैं ही उनमें सबसे कम वेट में हूँ, आप माने तो मैं इट्स अराउंड 70 kg। ओके, और बाकी सब 80 प्लस। हाइट भी बता दीजिए सर, जब आपने इतना बता दिया, और उम्र भी बता दीजिए। उम्र में कुछ मुझसे छोटे थे, कुछ मेरे, मतलब उम्र नहीं बताओगे? नहीं बता दूंगा, मेरी उम्र है 42। अच्छा, और मेरे फ्रेंड है जो मेरा बॉस भी है बेसिकली। अच्छा, तो वो भी मेरी सेम एज का है, और उसके साथ कुछ हमारे कलीग्स भी थे, और वो कलीग्स हमसे छोटे थे सब बेसिकली। लेकिन सर, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। सर, ये खेलने से है। खेलने से, तो ये आपका त्वचा और इसका, इसकी जो त्वचा है ड्राइवर की, ये दोनों में कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब सामंजस्य से कहाँ पाते हो एक साथ अपना? सर, कुछ नहीं कह सकते, ये तो एक अपना वो है, इसके साथ खेलो तो इसे आप फिट रखो तो भी काम करेगा, हम अपने आप को फिट रखते हैं तो भी हमारा काम करता है। चलिए सर, अब मैं परिवार पे आता हूँ। आपने बताया कि 7 लोगों को आपने बिठाया, तो परिवार वाले कितने खुश थे जब आपने उनको गाड़ी में बिठाया? सर, मैं भरना बोलूँ या बोलूँ कि बड़े आराम से बैठे थे? सर, इसका एक मैं वो बताता हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक पहले कभी जब मैरिज हुआ करती थी और अपने सेंटर में बैठा करते थे, तो मैनेज करना पड़ता था। कभी किसी ने बोला कि यार हमको भी लेके चलना, देन इट इज़ अगेन यू हैव टू मैनेज। लेकिन इस केस में मेरे को कभी कोई इश्यू नहीं हुआ, मेरे सारे बच्चे, मेरे इवन मेरे ब्रदर इन लॉ उसके बच्चे बहुत इजीली फिट होते हैं, इजीली फिट। अच्छा, फिट बोलते हैं, भरते नहीं है, इजीली, बहुत इजीली कंफर्टेबल बैठते हैं आप। अच्छा, थर्ड रो में भी खुश रहते हैं? 100% आपका एसी का इशू नहीं है, थर्ड रो में भी आपका एसी है, सेकंड रो में भी एसी है, तो उसका भी इशू नहीं है। सर, आप ईमानदारी से बोल रहे हो ना, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने बोला है कि भैया कुछ भी करना ईमानदारी वाला बात करना। 100% बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ। अगर कोई ये कहता हो कि भाई इसमें ये नहीं है, दैट इज देयर। ओके, 100% इट इज देयर। ओके, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी सामान आपने कुछ भरा था इसमें? हाँ, सामान का बताता हूँ। एक दिन मेरे को गांव जाना था, तो मैं अपने गांव जाके वहाँ से कुछ सामान लेके आना था, और वहाँ था करीब करीब 5 से 6 बोरियाँ थी जिसमें सामान था, राइस वगैरह थे, वीट था, ये सभी कुछ मेरे को लेके आना था गांव से। मैंने 5 क्विंटल सामान भरा, 6 क्विंटल, 5 भी नहीं 6 क्विंटल सामान पीछे भरा है। और इस गाड़ी की एक और खासियत बताता हूँ आपको, इसी चीज़ पे वजन के साथ, ऑन बिहाफ ऑफ वजन, जब गाड़ी आपकी फुल होती है, बहुत स्मूथ चलती है, आपकी चिपक के चलती है गाड़ी,
मतलब वजन डाल दो तो ये और खुश हो जाती है। बिल्कुल, आपको गाड़ी आप 100 प्लस पे आप इसको चलाइए, आपको महसूस नहीं होगा गाड़ी। ये आपने किया ऐसा महसूस? 100%। चलिए, आपकी इस खुशी से मैं आगे एक और खुशी पे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत ही खुश हैं। तो मेंटेनेंस में अगर बोले, आपने सर्विस वगैरह करवाया हुआ है तो क्या लग रहा है कि बहुत कॉस्टली है कुछ पार्ट? नहीं, कभी नहीं, इट्स इक्विवेलेंट टू सेंट्रो। तो इतने किलोमीटर चलाने में कितना खर्चा किया होगा आपने? सर्विस की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल छोड़ दीजिएगा। मात्र 4,000 रुपये खर्च किया मैंने अभी तक। अच्छा, वो किन किन चीज़ों पर किया होगी बता दीजिए? सर्विसिंग ओनली, बाकी मुझे किसी चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। बाकी मैंने ऑलरेडी जीरो डेप्ट आपका इंश्योरेंस लिया हुआ है, मेरा सब कुछ उसमें कवर होता है। इनका अलग एक पैकेज है बेसिकली, जिसमें आपका कोई भी पार्ट खराब होगा एक्सक्लूडिंग आपकी लाइट्स एंड बल्ब इनको छोड़ के, तो मेरे को कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस में आप सेटिस्फाइड हो, आप इसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड हो? आपने बताया कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आती है जब गाड़ी स्टार्ट कर रहे होते हो। स्टार्ट में आपको महसूस होगा जब आप स्टार्ट करेंगे ना फर्स्ट टाइम, जब कुछ टाइम चलाने के बाद आप स्टार्ट करेंगे तो वो भी महसूस नहीं होगा आपको। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आपकी गाड़ी खड़ा करके आप रखते हैं रात भर और सुबह जब आप मॉर्निंग में करेंगे, इट टेक्स अराउंड 1 and 1.5 minutes ओनली। सर, वो भी आपको तभी महसूस होगा। आप इतने हैप्पी हो तो रैनो को कोई सजेशन देना चाहते हो? क्योंकि आप तो गाजियाबाद में रहते हो, आपको तो सपोर्ट मिल जाता है यहाँ से, लेकिन जो कई और शहरों में रहते हैं जहाँ पर रैनो सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो कोई मैसेज संदेश देना चाहोगे उन्हें? सर बिल्कुल, आप थोड़ा सर्विसिंग वगैरह पे इनको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। बाकी ये है कि सर्विसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग जॉब। अच्छा, कंप्लीट फुल डे लग जाता है। देखो, कंप्लेन निकाल ली मैंने। चलो छोड़ो सर, कंप्लेन से आगे, ये कंप्लेन नहीं है बट ये एक सजेशन, मतलब जिसे मोहब्बत करते हैं तभी हम कंप्लेन की बात करते हैं। जो मोहब्बत का जिक्र किया, मैं चाहता हूँ सर मोहब्बत आ रहा हूँ। अच्छा, सर रोक दिया, कोई बात नहीं सर, तो ये आपके लिए मोहब्बत की निशानी है। आप कुछ बता रहे थे कि आपकी वाइफ के बर्थडे पर आपने, तो थोड़ा बताइए। मैं गाड़ी बेसिकली जब मैं लेने गया था तो लास्ट गाड़ी मेरी जो थी सेंट्रो को भी मेरे को बहुत पसंद थी उसका चलाने में, जब आप चलाओगे तो बहुत बढ़िया चलती है, उससे मेरे को कभी आज तक कोई शिकायत नहीं रही। मेरी गाड़ी कभी बीच सड़क में खड़ी नहीं हुई सेंट्रो की। सेम हेयर, मुझे इसमें भी लगता है कि मैं इस गाड़ी को अगर 10 से 15 साल भी चलाऊंगा तो ये गाड़ी कहीं खड़ी नहीं होगी, रीजन वही है। तो आपकी वाइफ को पसंद आया था ये ताजमहल, मतलब ये गाड़ी? यस, जब मैं और मेरी वाइफ और दो मेरे कलीग थे, हम यहीं रहते हैं, वो कलीग भी, तो पसंद उनको भी आ रही थी कलीग को, बट वो कहते हैं कि भाई तो ये आपकी चॉइस है आपकी वाइफ की? दोनों की मिलके, हम दोनों की चॉइस है। तभी मैंने बोला था वरुण जी को, मैंने कहा वरुण जी आप मुझे को मेरी वाइफ के बर्थडे पर अगर आप इसको डिलीवर करा सकते हैं। गाड़ी नहीं थी रियली उस टाइम पे, सारी बुक थी उनके लिए, तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली अरेंज करके दी और मेरे को पहले मैं फर्स्ट बंदा था जिसने गाड़ी मैं उठा के लाया था, पिक करके लाया। अच्छा, था गाजियाबाद में पहली गाड़ी थी मेरी जो डिलीवर हो गया था मेरे को 9th। अच्छा। उससे पहले किसी को गाड़ी डिलीवर नहीं हुआ था। आप लकी कस्टमर रहे। बिल्कुल, 100% ट्रीटमेंट ही अच्छा वाला मिल गया। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला मेरे को, इसमें कोई इशू नहीं है। तो विनोद सर कुछ और बोलना चाहेंगे? सर जैसे आप चाहें, आप मैं हैप्पी हूँ इस चीज से अभी तक। मतलब चलो मैं पूछता हूँ 3-4। तो सिटी ट्रैफिक में आप चलाते हो, हाँ, तो इसका ट्रांसमिशन से कितने संतुष्ट हो? 5 में से कितने नंबर दोगे रैपिड फायर? सर अगर मैं इसको 5 में से मैं इसको 4.5 नंबर दूंगा। हाईवे पर? हाईवे में पूरे 5 दूंगा। माइलेज में आपके 4.5, चूँकि सिटी के अंदर बेसिकली फॉर सिटी नॉट फॉर हाईवे। अच्छा, जब बैठाने की बात होती है 7 लोगों की, वहाँ पर कितने नंबर दोगे? सर 100% पूरे नंबर दूंगा इसमें। कंफर्ट की बात करें एसी वाले? एसी कंफर्ट के लिए भी पूरे दूंगा नंबर, मार्क्स दूंगा सर। तो ये देख सकते हैं कि ये जो विनोद सर है ना, ये बहुत ही खुश हैं, संतुष्ट हैं, और इस ड्राइवर ने इनको खुश होने का और भी मौका दे दिया है। बिल्कुल दिया है सर। और इस सर के खुशनुमा अंदाज से क्या करने वाला हूँ, 1 मिनट का एक संगीत भी निकलने वाला है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे लगाया हुआ भी नहीं सर। तो इसे मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालूंगा दोस्तों, वहाँ सुन के जाइएगा। उम्मीद करता हूँ जो आप चाहते थे वो सब मैंने पूछ लिया, और ये ईमानदारी भरा एक कस्टमर रिव्यू था, क्योंकि विनोद जी चला रहे हैं इतने समय से
11,000 किलोमीटर बाद चलाने के बाद बोले और इनको रनों ने पैसे नहीं दिए हैं, तो आप जो है इनका भरोसा कर सकते हैं। और ये ड्राइवर, सच बता दूं आपको, एक अच्छी गाड़ी है इस सेगमेंट में। अगर इसका आफ्टर सेल नेटवर्क कंपनी दुरुस्त कर ले तो मुझे लगता है कि ये और भी बड़ा जादू कर सकती है रेनो के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आए, मेरा इंस्टा हैंडल है @amit.dwivedi। सवाल करें और सारे जवाब ले जाएं।